अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गोला कबाब रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। गोला कबाब बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। यहाँ हमने 3 पाव कीमा लिया, जिसे हमने चर्बी के साथ इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है। ये देख सकते हैं कितना हमने इसे बारीक पीसा है। यहाँ हमने 3 अदद मीडियम साइज के प्याज ले लिए, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद हमने इसे पानी निचोड़ लिया था इसका। 3 अदद यहाँ हमने हरी मिर्च ली, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी के, तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम गोला कबाब की हम इसकी मैरिनेशन करना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमने प्याज लिया, इसका हमने पानी निचोड़ लिया, इसको हम ऐड करेंगे। कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक जरा सा ये पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये प्याज। आपने पानी जरा सा भी रख दिया इसके अंदर, अगर कीमे का भी पानी निचोड़ा हुआ होना चाहिए और प्याज का भी। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर इसके अंदर हम 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे चौक हुई भी 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे चौक हुई भी ये हमने चॉप हुई हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी। यहाँ देखें, अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे हम। 1 टेबल स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे सबसे पहले इसके अंदर हम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज्यादा, क्योंकि आप जिस तरह आप कीमा बढ़ाएंगे तो मसाले भी इसमें ऐड होते जाएंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्याज भी, हरी मिर्ची भी, सब चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ 3 पाव कीमा लिया है। यहाँ हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा इसमें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर और ज्यादा इसका फ्लेवर डेवलप हर कबाब की खूबसूरती के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐड नहीं कर सकते, स्क्रिप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने इसकी खूबसूरती के लिए इसे येलो कलर ऐड करा है, येलो फूड कलर में ऐड करा है। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डिलीशियस भी लगेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ दरा भी है ये, कुटा हुआ भी है। जो आप हमने इसके अंदर ऐड कर दिया कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया इसलिए ऐड करा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर। ये गोश्त गलाने के काम आता है, अगर आपके पास कच्चा पपीता हो फ्रेश वाला तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा आपका जो कबाब में कबाबों का जो गोश्त है वो अच्छी तरीके टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे अपने हाथ में मैंने क्या ली हुई पीपली, ये कबाब में डाली जाती है, इसको गोला कबाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शक्ल आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखेंगे मैंने पीपली ली है, इसको कबाबों में डालते हैं गोला कबाब के अंदर, इसको हम पीस के डालते हैं। और 1/2 टीस्पून हम पीपली का पाउडर डालेंगे, जो मैंने आपको दिखाई है हर जगह मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल होती है वो। गोश्त के साथ चर्बी को अच्छी तरीके से पीस लिया था, चिकनाई भी उसके साथ ऐड थी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी और हम जो हमने चिकनाई ली है वो भी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून हमारा घी डल चुका है, हमने पहले 1 डाला था, हमने 2 डाला, ये हो चुका है 2 टेबल स्पून घी हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे। गोला कबाब के हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए, उसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से और हमने घी भी इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अगर आपसे स्पून की मदद से ना हो रहा होता तो हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करें, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने गोले कबाब के सारे मसालों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक है, ये देखें कीमा कितना हमने उसको कितना अच्छा पीसा है, कितना बारीक है, कितना रेशेदार है। तो हम इसी तरह इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, उसके बाद 2 घंटे बाद हम इसके गोला कबाब बनाना आपको सिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं गोले कबाब के मैरिनेशन किए हुए, अब इसको हम बनाएंगे गोला कबाब। हमने आपको गोला कबाब बनाना सिखा दिया, हमने थोड़ा सा पोर्शन उठाया था, उसको हमने पेंसिल पे लगा दिया और इस तरह हमें घुमाते रहना है, उसको हम निकालेंगे। ये देखें हमारा
हमने आपको सारे गोला कबाब बना के दिखा दिए, किस तरह हमने गोला कबाब बनाया आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। उसको हम करेंगे डीप फ्राई, ले लिया उसको हम थोड़ा सा। अब उसके अंदर हम पेंसिल डालेंगे और अच्छी तरीके से हम गोला कबाब बना लेंगे। हम गोले कबाब का से शेप दे रहे हैं। आप चाहे तो सीखो की मदद से ही बना सकते हैं, अभी हम पेंसिल की मदद से बना रहे हैं। ये हमारा गोला कबाब बन रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गोला कबाब अच्छी तरीके से बन रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया। ये हमारा गोला कबाब बन चुका है और देखिए कितने अच्छे से सुराख भी हो चुके हैं, गोला कबाब का शेप भी आ चुका है और इसी तरह हम सारे गोला कबाब को कर लेंगे रेडी। ये हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे गोला कबाब और सुराख कबाब उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। वन बाय वन करके हम इसको ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने इसमें सारे गोला कबाब उसमें ऐड कर दिया। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। जब तक इसके अच्छी तरीके से एक साइड से कुक नहीं हो जाते, उसकी साइडें चेंज नहीं करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह हमने इसके ऑयल के अंदर गोला कबाब उसमें ऐड कर दिए हैं। इतना प्यारा इसका लुक आया। इसे मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे और उसको जब तक इस एक साइड से अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाते, इसकी हम साइडें चेंज नहीं करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गोला कबाब ऐसा ऐसा कुक होते जा रहे हैं, उसके हम साइडें चेंज करेंगे। हमने गोला कबाब की साइडें चेंज कर दी है, अभी इसे हमें और कुक करना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक इस पर अच्छे से कलर नहीं आ जाता। इसे हम कुकिंग टाइम जो है गोला कबाब का 10 से 12 मिनट है, वो अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएंगे और टेंडर भी हो जाएंगे और उस पर कलर भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलो माशाल्लाह हमारे गोला कबाब हो चुके हैं कम्प्लीट रेडी और उसको इसी तरह हम सारे गोला कबाब को कर लेंगे डीप फ्राई। अब उसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गोला कबाब हो चुके हैं कम्प्लीट, इसको हम देंगे स्मोक। हमने कोयला इसमें गरम करके डाल दिया, इसमें हम लगा देंगे ढक्कन 10 मिनट का हम कवर। चलो माशाल्लाह 7-8 मिनट हो चुके हैं, इसे कोयले की स्मोक हमने इसमें दे दिया, इसको हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गोला कबाब हो चुके हैं कम्प्लीट रेडी और उसको हमने गार्निश किया है प्याज के रिंग के साथ और सर्व किया है हमने रायते के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी लाइक सब्सक्राइब बोलने से पहले मैं आपको गोला कबाब का लुक दिखाऊंगी अंदर से कितना प्यारा और खा के भी बताऊंगी कितने अच्छे बनेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं गोला कबाब लेती हूँ, ये देखिए मैं गोला कबाब ले, जिसको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरीके से ये टेंडर भी हो चुके हैं, कितना प्यारा लुक आया और कितने जूसी। अब मैं इनको रायते के साथ खा के दिखाऊंगी आपको कितना प्यारा इसका लुक आया। वाकई बहुत टेस्टी बने, बहुत जूसी हैं। अगर आपको हमारे गोला कबाब की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।